लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। को पानी की तलाश है, जीवन में प्यासे को पानी की तलाश है, मुझे से राजा को एक रानी की तलाश है। मूर्ख और ना समझ को ज्ञानी की तलाश है, मरने वाले को जिंदगानी की तलाश है। गरज है ये मेहरबानो, हमको तुम्हारी मेहरबानी की तलाश है। ओ, जीवन में प्यासे को पानी की तलाश है। चांद तारों की तलाश है, बिछड़े हुओं को अपने प्यारों की तलाश है, नेता को नई नई नारों की तलाश।
तलाश है, हम बेसहारों को सहारों की तलाश है, टूटी हुई कश्ती को किनारों की तलाश है, नजरों को दिलकश नजारों की तलाश है, कन्याकुमारी को कुंवारों की तलाश है, कन्याकुमारी को कुंवारों की तलाश है, सैकड़ों वालों को हजारों की तलाश है, आंखों वाले अंधे को निगाहों की तलाश है, चोर उचकों को गुनाहों की तलाश है, हमको तो गोरी गोरी बाहों की तलाश है, जीवन में प्यासे को पानी की तलाश है, हा ये एक हीरे की अंगूठी है, हमसे कुछ कुछ रूठी है, इसकी कन्या तराशी सुनार की है, बेटी सुनार की लोहारों की तलाश है, जीवन में प्यासे को पानी की तलाश है, मुझे से राजा को एक रानी की तलाश है, थोड़ी कही को समाचार समझना, थोड़े लिखे को तार समझना, थोड़ा पढ़ा अखबार समझना, पर नहीं समझे बेकार समझना, जीवन में प्यासे को पानी की तलाश है, पार्टनर है मेरा, उससे और कोई रिश्ता नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम्हें गलत फहमी हुई है, नो रॉकी, नो रॉकी, नो बात है निशा, are you all right? लगा मैं तो ठीक हूँ, थैंक यू। अरे जैकी के साथ तुमने भी निशा कमाल कर दिया। कोई बात नहीं, ये तो रोज का काम है। शीशा दिखाना प्लीज। सुपर्ब शॉट। यार जैकी, अरे क्या कर रहा है जमीन तू? क्या मस्त बनाया तुमने? समझ में नहीं आता असली जैकी कौन है, नकली जैकी कौन सा है? मेरे भी समझ में नहीं आ रहा असली कौन है, नकली कौन है। चल चल भाई, आज का काम अच्छा हुआ दादा। कल की सब तैयारी है ना? हाँ जी। चल आलम है जी। हेलो मिस्टर जैकी। हेलो, कहिए। मुझे भरत कुमार कहते हैं। कहिए।
मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, एक फिल्म के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी थी। मिस्टर भरत, आई एम सॉरी, क्या है कि मैं इन दिनों काफी बिजी हूँ। ये मेरा कार्ड है, अगले महीने मुझे मेरे स्टूडियो पर आकर मिल लेना। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बहुत खूबसूरत हो, ज्यादा मत देखो आईना टूट जाएगा। जल्दी तैयार हो जाओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। निशा, कब तक दिल की बात दिल में रखोगी? डर लगता है। डर? वो भी जैकी से? अरे जिसे चाहा उससे डरना कैसा। यही तो डर है कि दिल की बात कहीं लब भी ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। ऐसा ना हो कि दिल की बात दिल ही में रह जाए। नौ बजे पूरा सेटअप रेडी चाहिए और 50,000 भाई लोग चाहिए। ओके सर। हाँ ओके सर, चल घर चलते। चलिए। मैडम, देहरादून से आपकी बहन का ट्रंक कॉल है। तो मिनट जाकी, मैं अभी आई। ओके, कम बैक सून। हेलो आरती, मैं निशा बोल रही हूँ। हेलो निशा दीदी, मैं आरती बोल रही हूँ। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और तुम्हारे एग्जाम्स कैसे गए? सुपर। हेलो हेलो दीदी, हाँ कल मैं देहरादून एक्सप्रेस से बॉम्बे आ रही हूँ। अचानक बॉम्बे आ रही हो, वो भी पहली बार? और मुझे अब इन्फॉर्म करियो आरती। इसीलिए तो फोन किया ना दीदी। और हाँ, दिव्यांगा को मैं बताना कि मैं बॉम्बे आ रही हूँ, हम लोग इन्हें सरप्राइज देंगे। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। और सुनो, रास्ते में अपना ख्याल रखना। डोंट वरी दीदी। अच्छा, मैं तुम्हें बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन गेट नंबर 1 पे मिलूंगी। आई सी यू टुमारो, बाय। ओके बाय। बॉम्बे। भाई वाह जैकी, मैंने तो अपनी जिंदगी में सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स में मास्टरी हासिल की थी, लेकिन तुम तो मुझसे भी एक कदम आगे निकल गए। स्पेशल इफेक्ट्स के साथ साथ एक्टिंग में भी। सर जो भी है आपकी बदौलत है। ओ कम ऑन जैकी, ये तुम्हारी मेहनत और विश्वास का नतीजा है। बस बस बस, फिर वही काम की बातें। अंकल, आपने तो जिंदगी में काम से शादी कर ली, कम से कम इन पर तो रहम कीजिए। निशा, निशा कल हम फिल्म सिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कास्ट स्टंट करने वाले हैं, तुम वहां? देर से पहुंचूंगी, मुझे बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पर बहुत जरूरी काम है। बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन? क्या? वो मेरा मतलब है, वो मुझे जरूरी शॉपिंग वगैरह करनी है। शॉपिंग और बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे? होता है क्या? मेम साहब, फिल्म सिटी स्टूडियो आ गया। अरे ये टैक्सी हटाओ यार, फील्ड में आ रही है, हटाओ। लीजिए। तुझे जड़ी लिखना मैं को मेरी। सुनिए, सुनिए भाई साहब। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे निशा जी कहाँ मिलेंगी? मिल गई। हाँ मिल गई। अरे लड़की मिल गई। क्या कह रहे हैं आप लोग? कौन मिल गई? कौन है आप लोग? ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर है। और फाइटर भी है। और ढिसुम भी है। एक ये बता, तू मेरी फिल्म में हीरोइन का काम करेगी कि नहीं? बोल। हाँ, हाँ, करूंगी ना। चल चल, मैं तेरे को मेकअप रूम में कहानी सुनाता हूँ। हाँ? मुगले आजम और मदर इंडिया का कीमा घोटाला। हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। दीदी घटिया ना। कौन हो तुम? पागल। अरे पागल हो गए हो? नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे पीछे दो पागल पड़े हैं। ब्लास्ट! नहीं रोक। अरे नहीं रोक सकता, शोर चालू है। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। नहीं रोक सकता कह रहा हूँ। मुंडी नीचे करो, मुंडी नीचे करो, गाड़ी रोको, मुंडी नीचे करो। अरे भाई मुंडी नीचे करो। नहीं
लड़की कहां से आ गई? लड़की जैकी। ओ गॉड, ये क्या मुसीबत है। ए भड़ो गाड़ी लेके, इसको हॉस्पिटल लेके चलते, चल जल्दी कर। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मुझे कंप्लेंट लिखानी है। क्या बात है जानी, कयामत से कयामत तक। जी नहीं, रेलवे स्टेशन से पुलिस स्टेशन तक। देखिए देखिए, मेरी बहन लापता है, पहली बार बॉम्बे आई है, और आप हैं कि चिल्लाओ मत लड़की। अगर आप हम हैं, तो हम भी हम हैं। पुलिस पब्लिक, हवलदार प्राणलाल मेहता, मैडम की कंप्लेंट लिखो। आपकी बहन का नाम आरती, आरती के बाप का नाम भारती। जी नहीं, आर एन मल्होत्रा। आर का मतलब रोशन, एन का मतलब नाथ, रोशन नाथ मल्होत्रा। ये कुछ नाम हुआ, रोशन नाथ मल्होत्रा। लिखो। लिख दीजिए। तुम्हारी बहन स्टेशन कब पहुंची? जब गाड़ी पहुंची। गाड़ी कब पहुंची और कहां से पहुंची? देहरादून से बॉम्बे सेंट्रल आज सुबह 11 बजे। आप स्टेशन कब पहुंची? 11:30 बजे। मैं थोड़ी लेट हो गई। लेट क्यों हो गई? ट्रैफिक की वजह से। बॉम्बे की ट्रैफिक का कुछ करना पड़ेगा। लड़कियां बिलक बिलक कर रोने लगी हैं। रो मत, हमारा नाम भी इंस्पेक्टर जानी है। लड़की तुम लो ये पानी पियो, और हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारी बहन को ढूंढ कर ही मरते दम तक दम लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा लड़की। हुलिया बताओ बहन का। ये रही उसकी फोटो। उसकी फोटो। आई आई आई। आप फिक्र ना करें, हम आपकी बहन आरती को कल सुबह तक ढूंढ निकालेंगे, जिंदा या मुर्दा। इंस्पेक्टर। ओह आई एम सॉरी, जिंदा। गुड मॉर्निंग सिस्टर। जी मेरा नाम जैकी है। कल मेरे घर में ये ये फूल आपके लिए है। थैंक यू। मैं स्टंट कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स का काम करता हूँ और हमारे संभालता हूँ। आउच, आयो पेशेंट से ज्यादा बात करना मना है मैम। आई एम सॉरी सिस्टर। अब क्या नाम है आपका? नाम पूछना चाहता हूँ। देखता नहीं मैं, तुम्हारी वजह से इसका टांग टूट गया, अब और भी इसको डिस्टर्ब करता है। मैंने टांग I just can't believe it। इस अनजान शहर में वो बेचारी अकेली। अगर आरती को कुछ हो गया तो मैं, आखिर तुमने बताया क्यों नहीं कि वो बॉम्बे आने वाली है? हम लोग आपको सरप्राइज देना चाहते थे अंकल। दे दिया सरप्राइज। सरप्राइज देना चाहते थे। मैंने पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दी अंकल, आप चिंता मत कीजिए, अब 24 घंटे में आरती हमें जरूर मिल जाएगी। सच अंकल? पता नहीं वो किस हाल में होगी। क्या करूं सिस्टर, ये बहुत क्या करना है सिस्टर। सॉरी मैडम। मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। हमारा नाम इंस्पेक्टर जानी है। लड़की हमने तुमसे वादा किया था कि हम तुम्हारी बहन को, चाहे वो नैनीताल में हो या भोपाल में हो, खटमंडू में हो या चटमंडू में हो, 24 घंटों में ढूंढ निकालेंगे, और हमने उसे ढूंढ निकाला, और घड़ी में अब भी 23 घंटे बाकी हैं। तुम्हारी घड़ी बंद है, उसके कांटे गिर गए। कांटे गिर गए? मेरी बहन कहाँ है? घड़ी में नहीं, नानावटी के जनरल हॉस्पिटल के
आठ नंबर 203 पर। मेरी तो जान ही निकल गई थी, तुम जरा सा स्टेशन पर मेरा इंतजार कर लेती। मैंने वहाँ वेट की थी दीदी, पर तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ठीक है ना? अब ना बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। जैकी तुम यहाँ? हाँ, मगर तुम यहाँ कैसे दीदी? मैं तुम भी इन्हें जानती हूँ? भी मैं तो इन्हें जानती हूँ, लेकिन एक्सक्यूज मी, आप इन्हें कैसे जानती हैं? इन्हीं की तो मेहरबानियों से हमारी हालत हुई है दीदी। ओह दीदी, यानी कि तुम, यानी कि ये, यानी कि तुम दोनों, यानी कि हम दोनों बहने हैं। बहने कवर हो गया। मिस्टर भरत, अरे टेक इट इजी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए आइए। मार्वेलस। सॉरी मिस्टर जैकी, मेरा नाम भरत नहीं है और ना ही मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूं। गुलशन कपूर, पीए टू होम मिनिस्टर रावल। नकली पेशा और नकली नाम का सहारा लेकर मुझसे मिलने का मतलब? आई एम सॉरी, काम ही कुछ ऐसा है। आपके स्पेशल इफेक्ट्स की जरूरत कानून को आ पड़ी है। आपका ये फन कानून के एक वफादार मुलाजिम की जान बचा सकता है। खैर, मुझे क्या करना होगा? फिलहाल तो होम मिनिस्टर रावल से एक मुलाकात, बाकी वो समझा देंगे। ड्रग्स के स्मगलरों पर पुलिस का छापा, करोड़ का माल जब्त, इन दहाड़े पुलिस कमिश्नर सक्सेना पर जानलेवा हमला, मेरे समझ में नहीं आया। आप मुझसे क्या चाहते? जिस पुलिस कमिश्नर का अभी अपने नाम पड़ा, कमिश्नर सक्सेना, उसका एक रबर प्लास्टिक का, आप लोग क्या कहते हैं, वो नकाब, एक मास्क बनाना है, हूबहू कमिश्नर सक्सेना के चेहरे का मास्क। व्हाट? और उस मास्क को किसी और आदमी पे फिट करके उसको बीच पब्लिक में शूट करना है। डरो मत, डरो मत, खून भी नकली होगा और गोलियां भी नकली होगी। आप लोग जैसा फिल्मों में करते ना, वो बस आप ये समझ लीजिए कि आप ये काम किसी फिल्म के लिए कर रहे हैं। आखिर आप साबित करना क्या चाहते हो? वेरी सिंपल, दुनिया की नजरों में कमिश्नर सक्सेना हमेशा के लिए मारा जाएगा, और क्राइम वर्ल्ड के वो लोग जो कमिश्नर सक्सेना के जाति दुश्मन बन बैठे हैं, वो चैन की सांस लेंगे और ये समझेंगे कि उनके रास्ते की बड़ी से बड़ी रुकावट साफ हो गई, और तब असली सक्सेना जो जिंदा है वो प्लान के मुताबिक पूरी ताकत के साथ उन्हें जड़ से उखाड़ देगा और उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये काम इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मिस्टर जैकी, कंट्री नीड्स योर सर्विस। मुझे यकीन है आप हमें ना उम्मीद नहीं करेंगे। मिनिस्टर साहब, मास्क बनाने तक तो ठीक है, लेकिन खुलेआम पब्लिक में किसी को ठठा शूट करना मेरे बस की बात नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल। आई एम सॉरी, मुझसे ये काम नहीं होगा। ठीक है मिस्टर जैकी, जैसे आपकी मर्जी। यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर। मिस्टर जैकी, एक रिक्वेस्ट है।
इस मीटिंग को सीक्रेटली रखिएगा। ओके, थैंक यू। गुड डे मिस्टर जैकी। गुड डे सब। थैंक यू। मैं जैकी बोल रहा हूँ। जैकी? हाँ जैकी। आज शाम को मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। तुम सुन रही हो ना? हाँ। ठीक है, मेरा इंतजार करना, मैं शाम को आ रहा हूँ। I'm in love, यार। मैं तो यही समझती थी कि तुम्हें अपने काम से प्यार है। अचानक ही किसी ने अचानक मुझे यह एहसास दिला दिया। किसने? जो कल तक एक अजनबी सी थी और आज? आज मेरी चाहत बन गई है। क्या चाहने से सब कुछ मिल जाता है? इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। निशा, मैं आरती से शादी करना चाहता हूँ। तुमने जवाब नहीं दिया। अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ नहीं जाकी, यूं ही अपने बहन के दामन में खुशियां देखकर इनसे रहा नहीं गया, बस छलक पड़ी। ओ निशा, तुम्हें यह फैसला मंजूर है? ओह यू आर ग्रेट निशा, यू आर ग्रेट, थैंक यू। अभी तक आपका पैर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। ओफो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखो। है ना पागल। दीदी, ये कलर आपको बहुत सूट होता है। यू आर लुकिंग ग्रेट।
अच्छा आरती, ऐसा करो ये फ्रूट और जूस आप उन्हें दे आओ। मैं तुम्हें दे आओ ना दीदी, मुझे डर लगता है। अच्छा, प्यार करते वक्त डर नहीं लगा था? प्यार में इजहार किए बगैर कोई किसी को कैसे पा सकता है? जैकी तुम्हें प्यार करता है और इजहार भी कर चुका है, और एक तुम हो जो उसे पसंद करती हो मगर इजहार नहीं करती। अबे तुम्हें कैसे समझाऊं दीदी, वो जब भी सामने आता है दिल की धड़कन धक 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 एकदम तेज हो जाती है, पैर भी कांपने लगते हैं, और जो बात कहना चाहती हूँ वो गले में ही फंस जाती है। ऐसा क्यों होता है दीदी? अरे प्यार का इजहार करने के तो कई रास्ते होते हैं, जैसे जैसे शायरी आती है, कोई रोमांटिक पोएट्री आती है, नहीं अच्छा चलो कोई फिल्मी गीत ही चलेगा, जैसे सुन साहबा सुन प्यार की धुन, हो मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन 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 चुन। ये तो नई फिल्म का गाना है और मैं तो पुरानी फिल्में देखती हूँ। उफ, कुछ भी गा लेकिन गा। वो पास रहे या दूर रहे नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें क्या प्यार जी को कहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें क्या प्यार जी को कहते हैं। छोटी सी बात मोहब्बत की, छोटी सी बात मोहब्बत की, और वो भी कहीं नहीं जाती, कुछ वो शर्माए रहते हैं, कुछ हम शर्माए रहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें क्या प्यार जी को कहते हैं। अरे कमाल है ये। मैंने आपसे पहले ही कहा था दीदी, ये प्यार वार मेरे पास का रोग नहीं है। मैं चली। निचले की ले समझा उसको। प्यार कर ले नारे बाबा ना, इकरार कर ले नारे बाबा ना, यही उम्र है यही है समा, तू दिल में किसी को बसा। करेगी नारे बाबा ना, इकरार करेगी नारे बाबा ना, प्यार करेगी नारे बाबा ना, इकरार करेगी नारे बाबा ना। जरा पास आओ मेरी दिल रुबा, न शर्मा के पल के झुका। प्यार करेगा नारे बाबा ना, इकरार करेगा नारे बाबा ना, प्यार करेगा नारे बाबा ना, करेगी नारे बाबा ना, प्यार करेगी नारे बाबा ना, इकरार करेगी ना नारे बाबा ना।
मोहब्बत मेरी होठों पे है तेरे ना 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 है दिल में छुपी मोहब्बत मेरी होठों पे है इशारा है क्या प्यार करेगा ना रे बबना इकरार करेगा ना रे बबना प्यार करेगा ना रे बबना इकरार करेगा ना रे बबना तुम्हारा ये अंदाज भी खूब रहा देखते ही देखते तुमने हमारे घर की रौनक को अपने घर की जीनत बना दिया पहले पल दो पल का साथ अब जीवन भर का साथ बन गया और वो भी इतनी तेज रफ्तार से तुम भी बड़ी पहुंची हुई चीज निकले क्या करो सर आप ही का शागिर्द हूं हां भाई अगर ये गुण हम में होता तो आज हम कुंवारे थोड़ी होते तुम लोग बाहर रहो चलिए वही पुलिस कमिश्नर सक्सेना है जिनका मास्क बनाने के लिए मुझे होम मिनिस्टर राव ने बुलाया था
भी कहो यार, तुम एक चुनौती चूक गए। After all, it was for a national cause. मैं समझता हूँ सर, लेकिन पता नहीं क्यों दिल गवारा नहीं किया। Excuse me, sir. आपका फोन है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। गॉड ब्लेस यू। जैकी, मैं तुमसे फिर कहता हूं, तुम ये चुनौती स्वीकार कर लो। तो इस चुनौती को तुम स्वीकार करते हो? जी सर। अरे श्योर मिस्टर जैकी? जी सर, आज मेरी आंखों के सामने कमिश्नर सक्सेना पर हमला हुआ, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं सर। थैंक्स, थैंक्स मिस्टर जैकी, ये तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर, मैं सब बंदोबस्त कर देता हूं। ओके एंड थैंक्स अगेन। ओके। हमारा प्लान कामयाब हो गया है सक्सेना। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। कामयाबी के बहुत करीब पहुंच गए सक्सेना, तुम्हारा मास 3 दिन में तैयार हो जाएगा और 25 जुलाई को रात को 12:30 बजे जैकी नकली मास्क पहने हुए सक्सेना को होटल फ्लोरा में शूट कर देगा और सक्सेना हमेशा हमेशा के लिए दुनिया की नजरों में मर जाएगा, यानी कि तुम। लेकिन दूसरे ही दिन तुम स्विट्जरलैंड पहुंचकर मेरा इंतजार करोगे। ठीक 2 महीने के बाद मेरी होम मिनिस्ट्री की नौकरी खत्म हो जाती है
मैं भी सीधा वहां आ जाता हूँ। और बैंक के कोड नंबर और अकाउंट नंबर तो सब तुम्हारे पास है ही। सारा धन बैंक से ड्रॉ करके आपस में बांट के चैन की जिंदगी बसर करेंगे। मुझे फक्र है जैकी, तुमने बखूबी इस काम को अंजाम दिया। ये महज एक काम ही नहीं, एक मिशन भी है। ये मिशन तभी कामयाब होगा जब मास्क पहनने वाला आदमी परफेक्ट होगा। मतलब? मतलब ये काम तुम बीच पब्लिक में करोगे, और जो आदमी मास्क पहनेगा उसे टाइमिंग का सेंस होना बहुत जरूरी है। एंड ट्यूनिंग टू। भाई मैं निशा से सहमत हूँ। जैकी, इस काम में मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, मास्क मैं पहनूंगा। आप ये मास्क पहनेंगे? नहीं सर, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। व्हाई नॉट जैकी? फॉर गॉड सेक निशा, मुझे अपना काम करने दो। जैकी, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? लेकिन सर, आई अंडरस्टैंड। तुम फिक्र मत करो, कल रिहर्सल के बाद तुम खुद फैसला कर लेना। Fantastic! My God, what perfection! नकली गोलियों से कितने अच्छे इफेक्ट। एक पल तो मुझे ऐसा लगा जिससे वाकई सक्सेना का खून हो गया है। क्यों सक्सेना? क्यों भी कुछ कमी थी क्या? फर्स्ट क्लास था ना? सर, लगी तो नहीं? Perfectly all right. Was the timing okay? सर, little थोड़ा फास्ट गिरना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी गिरना पड़ेगा। Okay. सर, मैं जरा चेंज करके आऊँ। Okay सर। Any suggestion, sir? सिर्फ एक। मिस्टर जैकी, आप ये काम पब्लिक प्लेस में करने वाले हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी सेफ्टी के लिए अगर आप भेष बदल लेंगे तो बेहतर होगा। यू नो, दाढ़ी वगैरह। ओके सर। और जगह और तारीख तो याद है ना? 25 जुलाई, होटल फ्लोरा, रात 12 बजे। दैट्स राइट। विजय कुमार अलग गाड़ी से रवाना होंगे और गुलशन आपको यहीं से पिकअप कर लेगा। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर, कमिश्नर साहब कुछ परेशान से हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने अपने पर्स से गद्दारी की, अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाया मैंने, इसका एक बहुत भारी मुआवजा देना पड़ रहा है मुझे। मेरी अपनी औलाद, मेरा अपना विकी खुद ड्रग्स का शिकार हो चुका है। विकी? ड्रग्स? ओह नो। चरस, गांजा, एलएसडी एंड व्हाट नॉट। नहीं सक्सेना, नहीं, अपना दिले से भारी मत करो। हर मर्ज की दवा है, हम उसका इलाज कराएंगे, उसे कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं होना होता तो ये ना होता। डॉक्टर्स भी उम्मीद हार चुके हैं, उसका पूरा शरीर खोखला हो चुका है। नहीं सक्सेना, ऐसा हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। हम हैं ना तुम्हारे साथ। लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूं। विदेशी बैंक अकाउंट्स और कोड नंबर्स तुम सब अपने नाम करवा लो। क्या बात कर रहे हो सक्सेना? मैं और घुट घुट कर जीना नहीं चाहता। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ रावल। गुनाहों की गहरी खाइयों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है सक्सेना, बहुत मुश्किल। और फिर ये रास्ता तो तुमने अपनी मर्जी से चुना था, और अब मैं खुद अपनी ही मर्जी से अलग होना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को अच्छी तरह समझता हूँ सक्सेना, लेकिन जरा सोचो, एक तरफ जैकी हमारे प्लान को अंजाम दे रहा है, दूसरी तरफ कामयाबी हमारे चौखट पर खड़ी है, हमारे कदमों में दौलत ही दौलत होगी, और ऐसे वक्त तो तुम्हारी ये बातें नहीं चाहिए मुझे। ये दौलत, ये कामयाबी, ये ऐश्वर्य, ये सब तुम्हें मुबारक हो। मेरी औलाद ही मेरी दौलत। रिलैक्स रिलैक्स सक्सेना, रिलैक्स, ठंडे दिमाग से काम। एक काम करते हैं, आज रात जैकी जब होटल फ्लोरा पर हमारा काम कर रहा होगा, ठीक उसी वक्त तुम मुझसे मिलने होटल ब्लू मून पर आ जाना। वहां पर हम तुम्हारे सारे प्रॉब्लम दूर कर देंगे। ओके ठीक है, आज रात ये फैसला हो ही जाना चाहिए। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। नाउ रिलैक्स एंड बी हैप्पी। Beep.
हेलो हेलो जैकी, हम सिस्टर मैरी बोलता है। सिस्टर मैरी कहाँ से? ए मैन, तुम्हारा घर से और किधर से? क्या है? तुम जल्दी से घर को आओ, तुम्हारा वाइफ को बेबी होने वाला है। हेलो हेलो, शायद मैं बाप बनने वाला हूँ। मतलब? यानी कि मैं बाप बन गया। बाप? और तेरी दर जैकी आ जा। आरती 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 आरती, जल्दी जल्दी जल्दी, ओ मां बनने वाली आरती। क्या सच है? हां, यानी कि मैं, यानी कि तुम, यानी कि जूनियर आने वाले? गलत, आने वाली भी तो हो सकती है। हां, आने वाली भी हो सकती है। हेलो हेलो हेलो, सर मैडम को रेस्ट मांगता, फीवर बढ़ जाएगा। नो एक्साइटमेंट प्लीज। पहला बच्चा है, फीवर को बढ़ने दो, सिस्टर बढ़ने दो। हम गए बाप बताने को मांगता है कि लड़का होना है कि लड़की होने वाली है। ये बात गॉड पर छोड़ दो, जो उसका विश होगा उसे ब्लेसिंग समझकर एक्सेप्ट करना मांगता। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, हमको एक बात और बताओ कि लड़का लड़की साथ में हो सकती है क्या? हाँ क्यों नहीं, ट्विन जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। हम गॉड से तुम्हारा वास्ते स्पेशल प्रेयर करेगा, पांच छह बच्चा साथ हो जाएगा। हाउ नाइस सिस्टर, हाउ नाइस, हाउ नाइस सिस्टर, हाउ नाइस, पता नहीं मैं पागल हो गया, पागल पागल हो गया। ए 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 लूटा है मनाने दे, वो तो बिगड़ा है बना लेंगे, वो तो लौटा है हंसा लेंगे। बहुत जल्द माँ बनने वाली है। आप सच कह रही हैं ना? मजाक तो नहीं कर रही डॉक्टर? मजाक? मैं समझी नहीं। I don't believe it. ये मजाक, ये मजाक सच हो गया? Thank you डॉक्टर। आरती का ख्याल रखिएगा और अगर कोई बात हो तो मुझे फोन कर दीजिए। जरूर। Thank you डॉक्टर। Take care. आप विजय अंकल, एक मिनट। जैकी? हाँ? विजय अंकल का फोन है। क्यों बरखुरदार, घर पहुंचते ही घरवाली के हो गए? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर। कहीं कैसे फोन किया?
भाई मिनिस्टर साहब का फोन था, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। ओह आई एम सॉरी सर, मैं भी पहुंचता हूं। देखो आज की रात हमारे इम्तिहान की रात है। यस सर। हाय निशा, 8 बज चुके हैं, आई एम लेट, वो लोग पहुंचते होंगे। मैं इस पते पर हूँ, 10 बजे तक, 10 बजे मुझे फोन करना, ओके बाय। चलो इकबाल, तुम मौका मिलते ही जैकी को होटल फ्लोरा पे खत्म कर दोगे, लेकिन आफ्टर जैकी किल सक्सेना, ओके। अगर जैकी इकबाल के हाथों बच भी गया तो लौटते वक्त तुम उसे अपनी गाड़ी में खत्म कर दे, समझे? या तुम ठीक रात को 1 बजे जैकी के घर पहुंचकर उसके परिवार वालों को मौत की नींद सुला दो, मुझे कोई सबूत नहीं छोड़ना। ग्रोवर, सबसे जरूरी बात, जैकी के यहाँ पहुँचते ही तुम उसके रिवॉल्वर से नकली गोलियाँ निकाल कर असली गोलियाँ डाल देना, क्योंकि ये खून असली होगा, असली कमिश्नर का। जैकी, विश मी लक। अब चलिए सर, मैं गेटअप चेंज करके होटल में आकर आपको शूट करता हूं। चल। गुड लक सर। जैकी कितना भुलक्कड़ होता जा रहा है, आज फाइनल शूट आउट पर गया है और ये इंपॉर्टेंट फाइल यहीं भूल गया है। अब मुझे ये फाइल देने जाना होगा। लेकिन तुम्हें पता मालूम है? वो मुझे एड्रेस दे गया है, मैं चलती हूँ। निशा संभल के और जल्दी लौटना। जैकी, ये प्लान हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आज रात तुम ये काम होटल फ्लोरा पर नहीं, होटल ब्लू मून पर करोगे। जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजन, घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे सब आदमी वहाँ पे मौजूद रहेंगे, मुझे तुम्हारे लोगों की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल है। और सर विजय कुमार? वो 1-2 दिन के बाद तुम्हें सही सलामत मिल जाएंगे। कि मैं फिर से एक बार तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने कानून के वफादार मुलाजिम की हिफाजत के लिए इस देश का हाथ बटाया, हमारी मदद की। आई एम प्राउड ऑफ यू। वक्त गुजर रहा है जैकी, होटल ब्लू मून पर कमिश्नर सक्सेना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कमिश्नर सक्सेना?
अरे मेरा मतलब है विजय कुमार, कमिश्नर सक्सेना के वेश में आइए। और एक खास बात, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे मेरे ऑफिस पे फोन कर देना। ओके ओके सर, ऑल द बेस्ट। काम हो गया? यस सर। आज की रात होटल ब्लू मून पर जैकी के लिए कयामत की रात होगी। जैकी यकीनन आपके जाल में फंस जाएगा, अब वो बच नहीं सकता। एक बात और सर, आपके कहने के मुताबिक जैकी के रिवॉल्वर से नकली गोलियों की बजाय असली गोलियां डाल दी हैं। आज की रात हर चीज असली होगी, असली गोलियां, असली खून। इसे कहते हैं एक तीर और दो निशाने। ए, कौन है वहां? ये वो टेप है जिसमें रावल की मक्कारी उसकी अपनी जबानी कैद है। ग्रोवर, तुमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। अब सक्सेना और रावल की गद्दारी का सिला मैं उन्हें दूंगा।
Thank you.
सर से बोझ उतर गया। बोझ? कैसा बोझ? गोलियां नकली चला रहा था, लेकिन एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि सचमुच के लिए तुम किसी की जान ले रहे हो। बिल्कुल। तुम्हें वही महसूस हुआ जो तुमने किया है? क्या मतलब? तुम्हारी रिवॉल्वर में गोली असली थी, ठीक जैसे इसमें है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने अपने हाथों अपने अजीज दोस्त को मौत की नींद सुला दिया। झूठ है ये। और अब मेरे हाथों अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। मिनिस्टर रावल हियर। मिनिस्टर साहब मुझे फंसाया गया है, मेरे हाथों मेरे दोस्त का कत्ल करवाया गया है। ये चाल, ये साजिश किसकी है? मैं पूछता हूँ, जवाब दो मिस्टर साहब, जवाब दो मिनिस्टर साहब। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, कौन बोल रहा है भाई? मैं जैकी बात कर रहा हूँ। मुझे धोखा दिया गया है, मेरी रिवॉल्वर में नकली गोलियों की जगह असली गोलियां भर दी गई है। मैं पूछता हूँ क्यों? ओह माय गॉड, क्या गुलशन तुम्हें लेने नहीं आया? वो खुद मेरी जान लेना चाहता था। जैकी मेरी बात सुनो, जैकी मेरी बात सुनो। तुम देखो अभी तुम्हारी जान पर खतरा है, हाँ लेकिन तुम डरो मत, तुम्हारी सलामती का जिम्मा मुझ पर है। अपनी सलामती मैं खुद कर लूंगा। और रही बात ही, होश में आओ जैकी, मैं पुलिस फोर्स को तुम्हारी सलामती के लिए भेज रहा हूँ। कहाँ से बात करो मुझे फौरन पता बताओ। हांगकांग बैंक फ्लोरा फाउंटेन के पास एक टेलीफोन बूथ से बोल रहा हूँ। जैकी तुम्हें कुछ नहीं होगा, पुलिस आकर तुम्हें एहतियातन ले जाएगी, ये मेरा जिम्मा है, लेकिन तुम उसी जगह रहना। ओके ठीक है। जब बाहर निकल मुझे फोन करना है। जैकी नहीं आया? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब कुछ ठीक है आरती। जैकी तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मेरा यकीन करो आरती, जैकी को कुछ नहीं हुआ है। वो आखिर बात क्या है? मैंने जैकी को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन लेकिन तुम्हारी खामोशी मेरे शक को यकीन में बदल रही है। निशा कहीं जैकी को? हाँ हाँ, जैकी उन लोगों की साजिश का शिकार हो चुका है, उसे फंसाया गया है आरती। उसके हाथों विजय अंकल का खून हो गया है। कह दो कि ये झूठ है। आरती ये लाइट कैसे चली गई? मैं देखती हूँ। कौन है? Thank you.
आरती, आरती, thank you.
होम मिनिस्टर रावल हियर। मुबारक हो रावल, साजिश मुबारक हो। तू साला जिंदा है? हाँ जैकी, बोलो। मैं तेरी साजिश का शिकार हो गया रावल, लेकिन तेरी ये जीत तेरी कामयाबी नहीं, क्योंकि मैं अभी तक जिंदा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा रावल। जैक, जैक। यस सर। जैकी बच गया है, इसका मतलब है टेलीफोन बूथ पर मरने वाला कोई और था। ओहो गॉड। एक काम करो, गुलशन से कहो जैकी के वर्कशॉप में जाके सारे सबूत को मिटा दे, समझा? राइट सर। वो साला स्पेशल इफेक्ट्स का माहिर आदमी है, कभी भी कैसे भी कुछ भी कर सकता है वो। नाउ क्विक। ओके सर। ओ गॉड। गुड मॉर्निंग सर जैनी। ये है जैकी चैन। जी क्या कहा आपने? जैकी चैन। जैकी चैन। आई एम सॉरी सर, मेरा मतलब है कि जैकी की वैन जो वर्सोवा की खाड़ी में खड़ी थी और हमने इसे खड़े खड़े पकड़ लिया और यहाँ खड़ा कर दिया। हमें आप पर नाज है जानी। नाज है जानी। अब हम वैन देखेंगे। आए, आए। देखेंगे। संभल के सर जी, कोई लाश भी यहाँ हो सकती है, कोई नील कमल जाग के सो सकती है। कमिश्नर सक्सेना? हाँ सर जानी, ये तो कमिश्नर सक्सेना का भूत है। नहीं, भूत 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 है। 25 जुलाई की रात को जैकी नाम के आदमी के घर उसकी पत्नी आरती का कत्ल हुआ था, और हैरत की बात यह है कि उसी रात को होटल ब्लू मून में कमिश्नर सक्सेना का भी कत्ल हुआ था। हैरत की बात है। जैकी की वैन का वर्सोवा की खाड़ी से बरामद होना और उसी वैन में कमिश्नर सक्सेना का बुत, ये दोनों हादसे आपस में कहीं जुड़ते हैं? बिल्कुल जुड़ते हैं सर। अभी अभी ताजा खबर आई है कि जिस मोटी दाढ़ी वाले सांड की लाश जैकी के घर से बरामद हुई है उसका नाम उस्मान भाई था, और वो होम मिनिस्टर रावल का ड्राइवर था। होम मिनिस्टर? हाँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर पुरी। गुड मॉर्निंग सर। ये लीजिए, इलायची खाइए। थैंक यू सर। कोई खास बात मिस्टर पुरी? एनीथिंग अर्जेंट? मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कल रात जितने भी कत्ल हुए हैं सर, उनमें एक ये भी शामिल था। इसका नाम? ये तो उस्मान है। हाँ, ये तो हमारे वहां ड्राइवर रह चुका है। ग्रोवर जी, इसको हमने नौकरी से कब निकाला था? यही कोई 2 महीने पहले सर। राइट राइट। क्यों निकाला था? ड्यूटी पर शराब पीकर बदतमीजी करने की वजह से। राइट राइट राइट। ये कैसे मारा गया ऑफिसर? अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ है सर। जैकी नाम के आदमी के घर इसकी लाश मिली है, और इसी घर में जैकी की पत्नी आरती का भी कत्ल हुआ था। इंटरेस्टिंग बट डेंजरस। मिस्टर पुरी, मुझे कमिश्नर सक्सेना की लाश को आइडेंटिफाई करने जाना है, बहुत जल्दी में। सॉरी सर, मैंने आपका बहुत वक्त जाया किया। इट्स परफेक्टली ऑल राइट, और मुझे उम्मीद है कि आप ये केस को सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। कोशिश तो यही कर रहा हूँ सर, इसीलिए सबसे पहले आपके पास आया। ऑल द बेस्ट ऑफिसर। थैंक यू सर। चलो। जिंदगी का तू नया पैगाम ले, हार ना जिंदा दिली से काम ले, हिम्मत वाले पूरी होगी एक दिन तेरी तलाशी।
हसी। जैकी एक मिनट इधर आओ। अब हमारा खुलेआम घूमना खतरे से खाली नहीं है, ये देखो। निशा, तुम फौरन वर्कशॉप जाकर मेकअप कर ले आओ। वैन आने तक मेकअप किट ही काम आएगा। मैं समझ गई। और सुनो, मेकअप किट लेकर डॉक्स पर आ जाना, मैं कंट्रोल रूम में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। ओके, बी केयरफुल निशा। ओके। घबराइए नहीं सर जानी, सब ठीक हो जाएगा। खुश रहो, खुश रहो, ठीक खड़ा हो। ये है जैकी का बैल। गो टू हेल। बैल का स्टाइल है। नुनु नुनु चुचु चुचु सर जी, आप घबराइए नहीं, अंदर खतरा हो सकता है, दरवाजा मैं खोलता हूँ। कक्का जी कहन जानी, बिहेव योरसेल्फ। आपने मुझे क्यों पकड़ रखा है सर? जानी, बिहेव योरसेल्फ। बिहेव योरसेल्फ। आई एम सॉरी सर। कहन को खाओ गोवा। डरा दिए ना साले, नाम से डर लगता है तेरे नाम से, लेकिन जानी हम भी सामरी हैं, पुलिस पब्लिक, तेरी तो आंख में बैंगन का कांटा। जीनियस हैं ये मिस्टर जैकी। कमिश्नर सक्सेना, बंद दरवाजा। मुक्का पड़ा ताजा। रॉकी आए, मोहम्मद अली के लिए। जैकी, अगर तू जीनियस है तो हम भी सौदागर हैं जानी। इमली का बूटा, बेरी के बेर। मोगाम्बो खुश हुआ। जानी, ये क्या हो रहा है? बंद करो ये हरकतें। हरकतें मैं नहीं कर रहा हूँ सर जी, ये करवानी है, ये छुड़ैल के बाल। जानी, ये देखा आपने? नहीं देखा। यहाँ आओ, दिखाइए। ये है जैकी के स्पेशल इफेक्ट का वैन, जो इस वक्त हमारे कब्जे में है। यस सर जानी। क्या सर जानी? सॉरी सर जानी। ये जैकी का हथियार है, जो इस वक्त काला चौकी पुलिस स्टेशन पर पड़ा है, और आप जनाब इस वैन पर कड़ी नजर रखेंगे। बिल्कुल नजर रखूंगा। मेहरबानी। नजर नहीं, वैन को नजर बंद कर लूंगा। आफ्टर ऑल आई एम पुलिस पब्लिक। सिगार में शोले। जैकी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुत्ते की पिल्ले।
मुझे फंसाने में क्या मकसद था तुम लोगों का? हाँ, मुझे कुछ नहीं मालूम जाकी, मैं तो सिर्फ एक बोल रहा हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा, हाँ? चल, चला गरीब, चला रो। छोड़ दो, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अब ऐसा मैं कहूँगा ऐसा करूँगा। बाहर आओ, आओ। देख दबी, गाड़ी चला, चला। विजय कुमार कहाँ है? नहीं नहीं, बताता हूँ। तुम्हें बताया गया था, तुमने अपने हाथों विजय कुमार का खून कर दिया, लेकिन ये गलत है। लेकिन मरने वाला असली पुलिस कमिश्नर सक्सेना था। विजय कुमार का जिंदा है, जिंदा है। कहाँ है? वो अमृतसर रावल के कब्जे में है। सच अब तो मत करो मुझे। राम साधु, कमीनो, तुम इंसान नहीं शैतान हो, दरिंदे हो तुम लोग। अरे जैकी तो तुम लोगों की मदद करना चाहता था, कानून की मदद करना चाहता था, और तुमने उसे कातिल बना लिया। मेरी फूल जैसी मासूम बच्ची को मार दिया, मुझे भी मार डालो। थू। अरे तुझे कैसे मार देंगे, तू तो बड़े काम की चीज है। तेरी जिंदगी का फैसला तो मिनिस्टर रावल ही करेंगे, अपना काम तमाम करने के बाद तब तक तेरी जिंदगी की रखवाली ये कनुआ करेगा। पर एक आम से हेलो। मैं गुलशन बोल रहा हूँ, राहुल साहब को फोन दीजिए। ओ सर, गुलशन का फोन। हाँ गुलशन भाई, कहाँ हो तुम? सर बात यह कि मैं फौरन आपसे मिलना चाहता हूँ। हाँ तो फौरन दफ्तर आ जाओ, इसमें चिंता क्या है? नहीं सर, मैं आपको दफ्तर में नहीं मिल सकता। हाँ तो घर पे आ जाओ शाम को, मैं आपका इंतजार ठीक 5 बजे होटल चारवेज पर करूंगा। होटल? होटल पे क्यों? इसलिए सर, क्योंकि हम सबकी जिंदगी खतरे में है। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, मगर अकेले सर, किसी को इस मीटिंग का पता नहीं चलना चाहिए। जनता का सेवक हूं, इस तरह मुझे पब्लिक प्लेस में क्यों बुलाया? सर बात क्या है गुलशन, तुम ज्यादा परेशान लग रहे हो, ये क्या हो गया? जैकी देखो, मुझे बेहद अफसोस है कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ। मौत का अफसोस किसी को नहीं होगा, बताओ विजय कुमार का।
कुमार नाम है। विजय कुमार बिल्कुल सलामत है और तुम जो कहोगे हम लोग करने के लिए तैयार है। क्यों गुलशन? भागिए सर, आप भागिए, भागिए आप सर। अरे नौशीद, ते जिंदगी में कभी मेहनत नो काम करी छे जे आज कर छे? भरी दिखे चल ट्राई कर, ट्राई कर। अरे हीरो ट्राई कर ले। जरा खबर दिखे अरे बुलेट चो हो जो ओके मैंने ताकि जरा खबर दिखे मैंने मेरे पीछे जैकी और गुलशन आ रहे, दोनों को खत्म कर दो। देख लिया, देश के गद्दारों का साथ देने का अंजाम देख लिया तूने? और हमजादे राहुल को उसकी गद्दारी का सिला मैं दूंगा। यकीन, मेरी बात ध्यान से सुनो। 26 जनवरी की रात क्या स्टेट की सरहद से मयूर महल से रावल क्या विजय कुमार के साथ हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड चला जाएगा।
मैं तुम्हारा यकीन कैसे मानूं? मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा तो यही है जैकी के नाम का पिटारा। अरे हम खोल के रख देंगे ये खटारा। बच्चू जैकी छैनी आज मेरा ये पिटारा खोला है। जैकी के नाम हमारा ये पैगाम है कि हम जानी पुलिस पब्लिक है। प्राणलाल मेहता ये वाइपर क्या कहता? चलता है ये मचलता है उछलता है। मिस्टर जैकी तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम्हें डॉन ने बुलाया है मगर अकेले। नहीं चाहिए मुझे के साथ। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए मुझसे? सॉरी मिस्टर जैकी, आपको जहमत दी।
तो आपके कहने पर ये लोग मुझे यहां ले आए। आपका वक्त जाया नहीं करूंगा, तशरीफ तो रखिए। मुझे कैसे जानते हैं आप? जानने की कोशिश कर रहा हूं। आप फिल्मों में काम करते हैं बतौर स्टंटमैन के, आप स्पेशल इफेक्ट्स के जीनियस कहलाए जाते हैं। जैसे फिल्मों के लिए नकली गोलियां, नकली खून के असली इफेक्ट्स देना, मास्क या नकाब बनाना। मगर ताजुब की बात तो यह है मिस्टर जैकी, आप जैसे शरीफ आदमी का नाम असली खून खराबे के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है? देखो ये भी देखो, देखिए मिस्टर, आप जो भी हैं, मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं, ये मेरा जाती मामला है और मैं चाहूंगा कि आप दखलंदाजी ना करें। कुछ हद तक ये आपका जाती मामला जरूर है, मगर इन हदों की शुरुआत मुझसे होती है मिस्टर जैकी। कमिश्नर सक्सेना का नकाब बनाने से पहले तुम्हें यह बतलाया गया था कि क्राइम वर्ल्ड के कुछ लोग सक्सेना की जान के दुश्मन बन बैठे हैं। उनकी जान का दुश्मन कोई और नहीं, खुद मैं हूं। आप? मुझे से बचने के लिए उन्होंने तुम्हें यह काम सौंपा था जैकी। ये सब आप मुझे क्यों कह रहे? इसलिए कि इंतकाम के सख्त रास्तों पर चलने से पहले, बदले की आग के दहकते शोलों में जलने से पहले तुम्हें उनकी ताकत, उनकी मक्कारी, उनके फरेब का सही अंदाजा लग सके। ये उन दिनों की बात है जब यही होम मिनिस्टर रावल अपने रुतबे का, यही पुलिस कमिश्नर सक्सेना अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाकर साथ साथ अपने गैर कानूनी धंधे में शरीक थे। उन दिनों में डॉन नहीं, इंस्पेक्टर दयाल था, और मेरे ही इलाके से एक दिन स्मगलिंग का कंसाइनमेंट पास हो रहा था। मैं उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया। मैं उस वक्त हैरान रह गया जब मैंने देखा कि उस ट्रक को कोई और नहीं, मेरी ही फोर्स का हवलदार सिंह चला रहा था। मैं उससे भिड़ गया। हवलदार सिंह को मैंने अपने कब्जे में ले लिया और धीरे धीरे उस स्मगलिंग के चंद सनसनीखेज सबूत मेरे हाथ लगते चले गए। हवलदार सिंह का बयान ही मेरे शक को यकीन में बदलने वाला था। दरवाजा बंद करो। सर, आपका शक सही निकला। इस ड्रग्स के कंसाइनमेंट में कमिश्नर सक्सेना का ही हाथ है। सक्सेना, कमिश्नर सक्सेना, कानून का एक वफादार मुलाजिम, और उसी कमिश्नर का मुझे बुलावा आ गया। शायद वो लोग मुझे खरीदना चाहते थे, मेरी कीमत लगाकर अपने घिनौने खेल में मुझे शरीक करना चाहते थे। वेलकम इंस्पेक्टर दयाल, वेलकम। ड्रग्स के इस कंसाइनमेंट को पकड़कर तुमने दिलेरी की एक और मिसाल कायम की है। मुझे तुम पर नाज है, आई एम प्राउड ऑफ यू। और मुझे आप पर शर्म आ रही है कमिश्नर सक्सेना। आपने पवित्र कानून को नंगा करके लालच के बाजार में उसका सौदा किया। आपके खास आदमी हवलदार सिंह ने तो बहुत जल्दी घुटने टेक दिए और वो अपना बयान दे चुका है, और उस बयान के मुताबिक कल रात पकड़े गए गैर कानूनी माल के जिम्मेदार आप और होम मिनिस्टर रावल है। कमिश्नर इंस्पेक्टर, चिल्लाइए मत मिस्टर कमिश्नर। जिस वर्दी की गर्मी में आपकी खोखली और बेसुरी आवाज बुलंद हो रही है, उसी वर्दी को पहनते वक्त मैंने भी वफादारी और ईमानदारी की कसम खाई। अपनी वर्दी और कानून की आन को मैं बिकने नहीं दूंगा मिस्टर कमिश्नर। पछताओगे इंस्पेक्टर दयाल? पछतावा तो आप सबको होगा। कल भरी अदालत में कानून आप सबका फैसला करेगा। तैयार रहिएगा। गुड नाइट। Thank you.
इंस्पेक्टर दयाल हियर। मैं तुम्हारे हौसले और ईमानदारी की बहुत कदर करता हूँ, लेकिन क्या है दयाल जी, जमाना बहुत खराब है, इसलिए कमिश्नर की बात को भुलाकर जमाने की हवा में सांस लो। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बखूबी समझ रहा हूँ मिस्टर होम मिनिस्टर, पर मैं जो समझाना चाहता हूँ वो कल अदालत के फैसले के बाद आप भी अच्छी तरह समझ जाओगे कि कानून से खिलवाड़ करने का अंजाम क्या होता है, अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाने का मतलब क्या होता है। एक बात और मैं आपको अच्छी तरह समझाना चाहूंगा मिस्टर होम मिनिस्टर, कि मक्कारी के तराजू में सिर्फ कमजोर, लालची और मक्कार तुलते हैं, ईमानदार नहीं। तो फिर कान खोल के सुन ले दयाल, एक दिन तेरी ये ईमानदारी तुझे गुमनामी के अंधेरों में गायब कर देगी, तो समझा क्या? आप फिक्र मत कीजिए सर, इस ऑपरेशन में मैं आपके साथ हूँ। कल भरी अदालत में कमिश्नर सक्सेना के खिलाफ गवाही मैं दूंगा सर, मैं। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इंस्पेक्टर के राज, तुम इस वारदात के चश्मदीद गवाह हो, बयान सोच समझ कर देना, ये कमिश्नर की शख्सियत का सवाल है। जज साहब, इंस्पेक्टर दयाल के सारे इल्जाम झूठे हैं। कमिश्नर सक्सेना के खिलाफ इसकी ये साजिश है। हवलदार सिंह इसी का आदमी था और वो अपना बयान दे चुका है। बकता है ये कमीना, खरीदा गया इसे जज साहब। नहीं जज साहब, बल्कि लालच देकर इंस्पेक्टर दयाल ने मुझे खरीदना चाहा। कमिश्नर सक्सेना के खिलाफ बयान देने पर मुझे इन्होंने ही मजबूर किया। कमिश्नर सक्सेना बेगुनाह है जज साहब। असली गुनहगार ये है इंस्पेक्टर दयाल। एक ईमानदार बेगुनाह पुलिस ऑफिसर पर चरस गांजा अफीम की तस्करी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया, मुझे सजा हो गई। गाड़ी रोको वरना इंस्पेक्टर को गोली मार दूंगा। चल उतार लीजिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। और वफादार पुलिस इंस्पेक्टर दयाल क्राइम वर्ल्ड का खूंखार दरिंदा डॉन बन गया। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया, कमिश्नर सक्सेना और होम मिनिस्टर रावल से अपना इंतकाम लेना। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर उन दरिंदों से अपना इंतकाम लेने में कामयाब हो सकते हैं। आखिर हमारी मंजिल एक है, मगर रास्ते अलग है। आपकी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी मुझे रास्ते अकेले तय करने की आदत सी हो गई है। गुड नाइट। होम मिनिस्टर रावल हियर। ग्रोवर, सबसे जरूरी बात, जैकी के यहां पहुंचते ही तुम उसके रिवॉल्वर से नकली गोलियां निकाल कर असली गोलियां डाल देना, क्योंकि ये खून असली होगा, असली कमिश्नर का। कैसा लगा हमारा ये तोहफा होम मिनिस्टर रावल? तुम क्या चाहते हो दयाल? इंतकाम। देखो दयाल, तुम गलतफहमी के शिकार हो, ड्रग्स के कंसाइनमेंट में मेरा कोई हाथ नहीं था, वो तो सक्सेना ही लालच में। बिल्ली जब भी दूध पीती है आंखें बंद करके पीती है और ये समझती है कि कोई उसे देख नहीं रहा। सक्सेना की मौत का जिम्मेदार कौन है? जैकी की पत्नी किसके इशारों पे मारी गई है? रवल, दयाल को डाउन बनाने वाला तू है और जैकी भी तेरी ही साजिश का शिकार है। अगर मैं अपने मकसद में कामयाब ना भी हुआ
तो जैकी तेरी मौत का फरमान जरूर बनेगा। गुड बाय। ए कानिया, मिनिस्टर साहब का ऑर्डर आया है, तुम आज रात इसे मयूर महल ले जाओगे। आज रात को? हाँ, जैकी को विजय कुमार की तलाश है और वह यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकता है। हाँ, अच्छा। यस ग्रोवर, रावल बहुत जल्द स्टेट बॉर्डर क्रॉस करके मयूर महल से हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड चला जाएगा। गुड। और हाँ डॉन, और भी कुछ खास बात है जो रावल का काम तमाम कर सकती है, हमारा मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक 11 बजे रात को उसी जगह जहां मिला करते हैं। ओके डॉन। You are under arrest. Arrest? किस जुर्म में? NSA, National Security Act. नजर बंद। क्या मैं अपने लॉयर को? Sorry, Mr. Don. कल सुबह तक आपको मिस्टर पुरी का इंतजार करना होगा। कुछ तहकीकात के लिए आप सबको पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। जॉन, तुम्हारी हड्डियों में इतना जोर नहीं है कि मेरी ताकत बर्दाश्त कर सकें। बताओ जॉन, ग्रोवर की अंतिम क्रिया में तुम लोग क्यों मौजूद थे? ग्रोवर, ग्रोवर, ग्रोवर। बताओ जॉन। ग्रोवर डॉन का खास आदमी था, वो मिनिस्टर रावल की हर खबर डॉन को दिया करता था। ग्रोवर को किसने मारा जॉन? किसने मारा ग्रोवर को जॉन? रावल ने, उसे ग्रोवर की गद्दारी का पता चल चुका था। डॉन को रावल से क्या दुश्मनी थी? पुरानी पुलिस फाइल निकाल कर देखिए, सारा रिकॉर्ड मालूम पड़ जाएगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, डॉन किसी जमाने में इंस्पेक्टर दयाल था। इंस्पेक्टर? काफी खूबसूरत परिंदे हैं। जी हाँ, मगर बेबस है। इनकी मजबूरी लोहे के पिंजरे की तरह सख्त है, मगर आजाद होते ही इनकी परवाज आसमान को चीरने लग जाती है। कहिए मिस्टर पुरी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? चंद सवालात हैं, उम्मीद है आप सही रोशनी डालेंगे। खान, इसे पहचानते हैं आप? अच्छी तस्वीर है, कौन है ये? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा गौर से देखिए। नहीं ऑफिसर, कुछ याद नहीं आ रहा। होम मिनिस्टर रावल का असिस्टेंट ग्रोवर कुछ दिनों से लापता है, जरा गौर से देखिए, शायद कोई बात, कोई मुलाकात, कोई हादसा याद आ जाए। सॉरी मिस्टर पुरी, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है जॉन ने झूठा बयान दिया था? कैसा बयान?
यही कि कल ग्रोवर की अंतिम क्रिया वगैरह का जिम्मा आपने खुद उठाया था। वाह ऑफिसर वाह, आप पुलिस वालों के डंडे की चोट अगर किसी शरीफ इंसान की कब्र पर भी पड़ जाए तो उसका मुर्दा भी कफन फाड़ कर चिल्ला उठे कि हां मैं एक मुजरिम हूं। आखिर जॉन से आपने झूठी गवाही ले ही ली, मगर मेरे साथ ये हथकंडे नहीं चलेंगे मिस्टर पुरी, कोई और तरीका अपनाइए। आप मुझे सख्ती बरतने पर मजबूर कर रहे हैं मिस्टर डॉन। मैं तो आपको चुनौती दे रहा हूं, क्योंकि आपकी शख्सियत को देखकर ऐसे लगता है कि आप भी उन चंद गिने चुने कानून के रखवालों में से हैं जो अपने फर्ज के लिए अपने ईमान के लिए कुर्बान होना जानते हैं और जिसके एवज में आपको चंद चमकते हुए तमगे मिल जाते हैं, मेडल्स मिल जाते हैं, तरक्की हो जाती है आप लोगों की। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो ऑफिसर, ये जरूरी नहीं कि वो तमगे बांटने वाले, वो तरक्की देने वाले आप ही की तरह वफादार और ईमानदार भी हों। एग्जैक्टली, मुझे तलाशी सुअर की खाल पहने उन भेड़ियों की है जो तुम हिलाते घूमते फिरते हैं मगर नजर नहीं आते। मगर समझ लो, जिस दिन मौका हाथ लग गया बीच बाजार एक एक को घसीट कर भून डालूंगा, ये मेरा वादा है। अरे सबसे पहले बेईमानी तो तुम्हारे ही पुलिस डिपार्टमेंट में नासूर की तरह फैली हुई है, उसे जड़ से निकाल कर फेंकने की हिम्मत है तुम में? नहीं है। अगर गोलियों से छलनी करना चाहते हो तो भून डालो उन कानून के ठेकेदारों को जो जुर्म को खत्म करने के नाम पे जुर्म को पालते हैं, गुनहगारों को पनाह देते हैं और उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके घिनौने खेल में शरीक होते हैं। है हिम्मत तुम में ऑफिसर? है नहीं? नहीं है तुम में वो हिम्मत, वो जोश, वो ताकत, वो जज्बा? क्योंकि तुमने अभी खुद जख्म नहीं खाया ऑफिसर, घाव नहीं छेला। जाओ और जाकर सबसे पहले जख्मी होना सीखो, फिर तड़पना सीखो, मारने से पहले मरना सीखो, अपने वजूद को मिटाकर लड़ना सीखो और फिर आना तुम मेरे पास ऑफिसर। मैं तुम्हें वो पहला मौका दूंगा, मैं दूंगा तुम्हें पहला वो हथियार, वो पहली गोली और सियासत की कुर्सी पर बैठा सुअर की खाल पहने वैसा ही भेड़िया दूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है ऑफिसर और जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। जानना चाहोगे उस भेड़िए का नाम ऑफिसर? उस वैशी भेड़िए का नाम है होम मिनिस्टर रावल। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे आपकी सारी करतूतों का पता चल चुका है। आपने करोड़ों के माल का घपला करके अपने घिनौनेपन की पहचान दी है। आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक ही नहीं है। समाज के नाम पर, कानून के नाम पर एक कलंक हैं आप। बहुत खूब, मैं तुम्हारे हौसले की दाद देते हुए एक मशवरा देना चाहता हूं। एक जिम्मेदार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होने के नाते तुम्हें जोश से कम और होश से ज्यादा काम लेना चाहिए। अभी तो तुम्हारी जिंदगी का एक लंबा सफर तय करना है, क्यों ना ये सफर ऐशो आराम से गुजरे। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा हमदर्द बन सकता हूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और मैं इसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि तुम हमेशा हमेशा के लिए इस कुर्सी से हटा दिए जाओगे। शट अप! अरे तुझ जैसे घटिया और कमजोर्फ इंसान की हालत एक पागल कुत्ते की तरह हो जाती है, ना घर का ना घाट का, मारे मारे दुम हिलाते फिरोगे, फिर भी रहम की रोटी नहीं मिलेगी। ये बात तू ऊंची कुर्सी पर बैठकर ये सोच रहा है कि मेरा चांटा तेरे मुंह तक कभी नहीं पहुंच सकता है ना? ये बेईमानी के मुंह पर ईमानदारी की पहली चोट है मिनिस्टर, इसे याद रख। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पूरी की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। बोल भाई कैसे हो? ठीक है ठीक है। रोजी हमारा कोटा लाओ।
रोजी 16 आना। विजय कुमार कहाँ है? विजय कुमार कौन? विजय कुमार? विजय कुमार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। विजय कुमार कहाँ? मुझे नहीं मालूम। विजय कुमार कहाँ है? विजय कुमार कहाँ? मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम। विजय कुमार कहाँ है? विजय कुमार बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। सेंट मैथ्यू की बस्ती में सनी विला के पास पुराने चर्च की उसे छुपा रखा। कानून की आंखों में तुमने बहुत धूल झोंक ली जैकी। अब ये खेल खत्म करो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। दाद देता हूं सर कि आपने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खेल खत्म हो चुका है। हर मुजरिम इसी गलत फहमी का शिकार होता है। मैं मुजरिम नहीं हूं। इसका फैसला कानून करेगा। कौन सा कानून? आपके कानून के हाथ तो किसी मासूम के खून से रंगे हुए हैं। खोखला और बेबुनियाद है आपका कानून। मेरा रास्ता छोड़ दो ऑफिसर और अपने गिरते हुए कानून को सहारा दो। कानून किसी सहारे का मोहताज नहीं है जैकी, और इसका सबूत तुम्हें अभी इसी वक्त मिल जाएगा। खुश रहो जानी, टोपी नीची करो, पैंट के बटन पहन लो। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर जानी। थैंक यू वेरी मच सर जानी फॉर योर स्पीडी रिकवरी। फ्रेश फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन। इन फूलों की तरह अगर मुजरिम भी मिल जाए तो रिकवरी अपने आप स्पीड पकड़ लेगी। व्हाट सर जी? यस सर जी। नो सर जी। खून काफी बहा है, इन्हें कम से कम 24 घंटे लगेंगे ब्लड लॉस गेन करने के लिए। यू आर राइट डॉक्टर फोंसेका। सर जी आप इत्मीनान से आराम कीजिए, मैं उन मुजरिमों में अपने कुत्ते के साथ सूंघता सांघता घुस जाऊंगा। उन्होंने आपका खून बहाया है, मैं न जाने उनका क्या क्या बहा के रख दूंगा। आफ्टर ऑल आई एम पुलिस पब्लिक। बाय द वे डॉक्टर फोंसेका, व्हाट इज योर ग्रुप ऑफ ब्लड? आई मीन ब्लड ऑफ ग्रुप। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे
कि मैं हर कदम पर जैकी का साथ दे सकूं। वो दुश्मन से लड़ने जा रहा है, उसकी रक्षा करना, रक्षा करना। सोच रहा हूँ। क्या? मेरा फैसला सुनकर कहीं तुम। कैसा फैसला? तुमने मेरा हर मोड़ पर साथ दिया निशा, मेरे लिए तकलीफ उठाई, लेकिन अब क्या जैकी? इसके बाद का सफर बहुत मुश्किल है, आगे सिर्फ मौत के अंधेरे हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम इन अंधेरों में। तुम वापस देहरादून चली जाओ निशा। मैं चली जाऊं तुम्हें अकेला इस हाल में छोड़कर? तुम्हारे सामने जिंदगी पड़ी है निशा, क्यों अपने आप को मेरे साथ? मुझे समझने की कोशिश करो, अब हालत हमारे साथ नहीं है। मगर वो तो हमारे साथ है, जिसकी चौखट पर खड़े होकर तुम मुझे अपने आप से अलग कर रहे हो। क्या तुम्हें उस पर भी भरोसा नहीं? मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं, मैं ये फैसला नहीं बदल सकता, मैं मजबूर हूँ। लेकिन जैकी, मैं तो सिर्फ एक हमदर्द बनकर थोड़ी दूर और तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। जैकी, मैं जिद मत करो निशा। ये मेरी जिद नहीं, मेरा प्यार है। मेरी मन।
करके दिखलाऊंगी तेरा हर सपना एक दिन मिल गया सच करके दिखलाऊंगी इसमें न बहारें आएंगी टूटेंगे बिखर जाएंगी अगर खिल के कलियां मुझसे काएंगी करूंगा जाने वफा अब सारी उम्र कोई शिकवा दिला किस्मत वाला मैं हूं जो मुझे तेरे जैसा कोई हम दर्द मिला इस तरह क्यों लाया गया है क्या चाहते हो तुम मुझसे यह मैं बताता हूं आज रात को 3 बजे हम हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे और तुम सक्सेना के भेष में यानी कि उसका नकाब मास्क पहने हुए सक्सेना ने जो अपने नाम पे जिनीवा की बैंक में करोड़ों का माल रखा है उसे निकाल लोगे उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो इतना आसान नहीं है रावल तुम अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकते कभी नहीं जैकी यहां आएगा और तुमसे तुम्हारे हर गुनाह का गिन गिन कर हिसाब लेगा रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया
तुम्हें अभी तक मेरी ताकत का पूरा अंदाजा नहीं है। अगर वो यहाँ आ भी गया तो वापस नहीं जाएगा। अभी इसको जल्दी सक्सेना का मास्क पहनाओ और तैयार करके नीचे लेके आओ। हेलो सर, पीटर हियर। हाँ बोल बोल सर। जैकी अपनी वैन में मयूर महल की तरफ बढ़ रहे हैं सर। क्या बात करते हैं? अच्छा ठीक है। अरे जैकी यहाँ पर मेरे बंगलों की तरफ आ रहे हैं। अपनी पूरी सिक्योरिटी को अलर्ट कर दो, वो अंदर ना आने पाए। जाओ चलो। सर वो तो आगे निकल गया, लगता है रास्ता भूल गया। गुड, किस्मत ने हमेशा मेरा साथ दिया और आज भी देगी। इससे पहले कि चैकी यहाँ पर पहुंचे, मुझे विजय कुमार के साथ फौरन चले जाना चाहिए। आई कयामत की वो घड़ी, कदम कदम पे मौत खड़ी। आई कयामत की वो घड़ी, कदम कदम पे मौत। नहीं पहनूंगा, हर किस नहीं पहनूंगा, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो। पर तू क्या, तेरा बाप भी पहनेगा, पहनता क्या बोल लो। सर ये और कैसी? सर जैकी तो इसी तरफ आ रहा है। सर आप इसे लेकर निकलिए, जैकी यहाँ आ भी गया तो कानिया उसकी धज्जियां उड़ा देगा। चल चलो, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। विजय कुमार कहाँ है? इस साले पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। अच्छा इसको मार कर देखता हूं। नहीं नहीं नहीं, ये मर गया। अबे ये तो मर गया, पर तू क्यों नहीं मर गया? अबे ये मर गया, तू भी मर गया। अबे ये तो मर गया, नहीं मरता तो महाशय के अंदर लोहा है। विजय कुमार कहाँ है? विजय कुमार बताता, उसे रावल अभी बाहर ले गया है। चलना ले जाना तू मुझे। चल I said leave me you bastard। चल चलने तो देता हूं ये कभी। चल दयाल,
दयाल नहीं डॉन, अरसे से इस मुलाकात का इंतजार था। अब कुछ बातें और लाते हो जाए। ये था दयाल को डॉन बनाने का मुद्दा और ये है जैकी की तबाही का सिला। ये है ग्रोवर की मौत का मुद्दा। और ये है इन सब का प्यार। तुम लोग यहां से निकलो। अंकल, अंकल। निशा बेटी। चलो। Let's go. तुम जरूर आओगे जैकी। उस कमीने रावल को मत छोड़ना जैकी, मत छोड़ना।
देख लिया समंदर में रहकर मगरमच्छ के साथ बैर करने का अंजाम। अपने आप को स्पेशियल इफेक्ट्स का बड़ा माहिर समझता था। इडियट। जैक। जिस कानून की आड़ में तूने ये खेल खेला है रावल, तेरा खात्मा भी कानून की ही गोलियों से होगा। कहा था ना, देख जैकी तेरे सामने खड़ा। हम सब की जिंदगी बर्बाद कर डाली तुमने, बर्बाद कर डाली तुमने हम सब की जिंदगी। तो इंसान नहीं दरिंदा है। कमिश्नर सक्सेना का खून तूने मेरे हाथों कराया। नहीं जैकी, कमिश्नर के कातिल तुम नहीं, कमिश्नर का कातिल मैं। आप? हाँ मैं। 25 जुलाई की रात को होटल ब्लू मून पर जब रात 12 बजे तुम वहां पहुंचे, उस रात मैं भी वहां मौजूद था। ग्रोवर से इशारा पाते ही मैंने अपना साइलेंसर वाला रिवॉल्वर निकालकर सक्सेना पर उतनी ही असली गोलियां चलाई जितनी कि तुम अपने रिवॉल्वर से नकली गोलियां चला रहे थे। इस कमीने रावल ने तुम्हारी पिस्तौल से गोलियां बदलने का काम ग्रोवर को सौंपा था, मगर ग्रोवर मेरा आदमी था। उसने पिस्तौल में असली गोलियां भरी ही नहीं, क्योंकि सक्सेना को मैं अपने हाथों से मारना चाहता था और मैंने उसे मारा। सक्सेना से तो मैंने अपना इंतकाम ले लिया, अब इसे मैं तुम्हारे हवाले करता हूं जैकी। मार इसे। मैं खूनी हूं, मैं कातिल हूं, मैं कातिल हूं, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। ये जेनीवा बैंक के लॉकर की चाबी है, करोड़ों का माल है उसमें। हाँ रावल, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पुलिस ने बंगले को चारों तरफ से घेर लिया है। और वो सब कुछ तुम्हारा है, वो सब कुछ तुम्हारा है। मुझे यहां से इस वक्त जाने दो, प्लीज प्लीज। निशा, ये चाबी हमें सारी खुशियां दे सकती है, हम करोड़पति बन सकते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम जैकी, क्या हो गया तुम्हें? पागल मत बनो, फेंक दो इसे। निशा, समझने की कोशिश करो, जमाना उसी का साथ देता है जिसके पास दौलत हो। नहीं जैकी, मैं तुम्हें इस तरह भटकने नहीं दूंगी, ये गलत है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि दौलत की खातिर तुम अपना ईमान तक बेच दोगे। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, बाजी फिर पलट गई है। चुपचाप चाबी मेरे हाथ में दे दे। तेरे हाथ में बाजी नहीं, इस गन पर स्टिक फास्ट लगी हुई और गन खाली है।
गोले हम पहले निकाल चुके हैं। हाथ टूट जाएगा मगर बंदूक नहीं छूटेगा। मेरे स्पेशल इफेक्ट्स के फन का तूने गलत फायदा उठाया था। आज उसी फन से तेरा खात्मा करूंगा। मिस्टर पुरी, वादे के मुताबिक कमिश्नर का कातिल अपने आप को कानून के हवाले करता है। अगर आप चाहते हैं तो कमिश्नर के कत्ल का राज राज ही रह सकता। मैं नहीं चाहता कि फिर कोई बेगुनाह दयाल धन बन जाए। चलिए ऑफिसर। जिंदगी का तू नया पैगाम ले, हारना जिंदा दिली से काम ले, हिम्मत